कुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में भी बर्तन खटकने लगे हैं। एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़कर गए। दरअसल सैनी की पार्टी में हमेशा माहौल अस्त व्यस्त देखने को मिला और वन मैन वन शो को भापकर नेताओं का मुंह भी भंग होने लगा। यहां भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरह जल्द एंट्री और जल्द एग्जिट वाली बात देखने को मिली। प्रदेश की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में भी बर्तन खड़कने लगे हैं, ठीक वैसे जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में चाव से एंट्री करने वाले अब एग्जिट करने लगे हैं। दरअसल सैनी ने 2 सितंबर को पानीपत में पार्टी बनाते वक्त दूसरी पार्टी के कई नेताओं को ज्वाइनिंग कराई थी। अब एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गजानंद सोनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह कांबोज ने पार्टी छोड़कर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा ज्वाइन कर ली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास कोई आता है तो हम उसको मना नहीं करते। शायद वो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आया हो तो मुझे कैसे कहते। हम तो उन्हीं लोगों का सहारा लेकर चल रहे हैं जो लोग अनदेखी का शिकार है, और वो अगर हमारे यहाँ आके अपनी महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं फिर वो हमारे साथ नहीं टिक पाएंगे। हम तो किसी को भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे जो बेचारा अनदेखी का शिकार है कहीं भी, जिसे बड़ी बड़ी स्टेजों से धक्के मारकर कोनी मारकर नीचे गिरा दिया गया ना, हम तो उसको उठाकर अपने साथ लेना चाहते हैं। पर अगर वो हमारे यहाँ भी आकर अपनी महत्वाकांक्षा अधिक दिखाएगा तो वो मेरे ख्याल से हमारे साथ नहीं चल पाएगा। इधर पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज ने भी सैनी की पार्टी छोड़कर दुष्यंत चौटाला का हाथ पकड़ लिया है। पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रदेश प्रवक्ता बनाकर खुश कर दिया, इसके बाद ना तो कोई उसकी सुनता और ना मानता, वो भी घर बैठ गया। यानी राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। 3 महीने में ही पार्टी की इस हालत से बचे खुचे लोग भी हतोत्साहित हैं। ये सियासत है भाई, बड़ी मुश्किल से पांव जमते हैं। कैमरा बंद रणवीर के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।